जय श्री केदारनाथ जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बाबा श्री केदारनाथ जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज अगर फिर से नवद्वीप सुबह के लिए श्री केदारनाथ जी यात्रा से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, और आज की जो जानकारी है वो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए काफी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को बता दें, अगर आप सभी श्री केदारनाथ जी यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं या फिर चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे जो कोविड के केसेस, उनके चलते बड़ी चिंता बन सकती है चार धाम यात्रा में। साथ ही केदारनाथ जी यात्रा में कोविड SOP जारी की जा सकती है, और साथ ही आप सभी को और भी कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स देने वाला इस वीडियो की मदद से। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी यह है कि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम यात्रा और चार धाम यात्रा के लिए जल्द से कोई बड़ी SOP जारी की जा सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं कोविड के केसेस। और वहीं उत्तराखंड स्थित आज पूरे भारत में मार्क ड्रिल भी की जाएगी कोविड केसेस के चलते ही। जी हां, लगातार उत्तराखंड में कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और इसके चलते आप सभी को बता दूं कि पहले से ही पर्यटन मंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि जो कोविड के केसेस है वो अगर बढ़ते हैं और इसमें अगर कोई भी यात्री संक्रमित पाया जाता है तो यात्रा में बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और साथ ही आप सभी को बता दे, जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी है, ठीक है, अपने साथ मास्क सैनिटाइजर जरूर साथ लें और यात्रा में कोविड का जरूर पालन करें। ये बातें जरूर ध्यान रखें, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसे मत चला जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। चार धाम यात्रा के साथ साथ केदारनाथ जी यात्रा सुरक्षित हो और पूरी तरह से बहाल रहे, ये हम आप सबकी पूरी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए यात्रा के दौरान अपने साथ जो मास्क है, सैनिटाइजर है, वो साथ ही ले जाएं। अगर यात्रा में कोई व्यक्ति भी संक्रमित आता है तो इसके चलते यात्रा में और भी कई सारी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी जाएंगी, जो आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक है, क्योंकि केदारनाथ जी यात्रा में भारी क्राउड रहता है और क्राउड के चलते ही ये कोई बड़ी स्ट्रिक्टता ला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए SOP जो निकलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि पहले से ही कहा गया कि जो लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनके चलते जल्द ही चार धाम यात्रा के लिए एक SOP जारी की जाएगी। जी हाँ, और SOP में जितनी भी गाइडलाइन दी जाएंगी वो मैं आप सबको इस चैनल द्वारा बता दूंगा, और उस गाइडलाइन को जरूर फॉलो कीजिएगा। हालांकि आप सभी को पता होगा कि पिछले कई सालों से जो कोविड के केसेस थे वो चले आ रहे थे, और इसको लेकर कई सारे लोग जो हैं वो इसे फॉलो भी करते हैं गाइडलाइन को, तो उसी तरह से आपने फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है, प्रशासन का सहयोग देना है यात्रा के दौरान। और साथ ही साथ ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कोविड को लेकर अलर्ट रहिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बातें, और इसीलिए यात्रा के दौरान अपने साथ मास्क सैनिटाइजर जरूर साथ ले आएं, ताकि यात्रा पूरी तरह से बहाल रहे और यात्रा सुरक्षित रहे। वहीं आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है, ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, और केदारनाथ जी मंदिर के कपाट खुल रहे हैं 25 अप्रैल को, बद्रीनाथ जी के खुल रहे हैं 27 अप्रैल को, गंगोत्री और यमुनोत्री जी के कपाट खुल रहे हैं 22 अप्रैल को, जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जल्द से SOP जारी की जाएगी, जिसके चलते आप सभी तीर्थ यात्रियों को यात्रा करने में और कई सारे लोग संक्रमित आए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी स्ट्रिक्टता के साथ गाइडलाइन लाई जा सकती है। तो इसीलिए पहले आप सबको बता रहे हैं कि प्रशासन का जरूर सहयोग करें यात्रा में, और यात्रा पर जाने से पहले अपने साथ मास्क सैनिटाइजर पूरी तरह से ले जाएं और पूरी तरह तैयारी से भी जाएं। उम्मीद कर दे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री केदारनाथ जी।